Hello students, myself Dr. Sonam. I am teaching about some lines of cell. Cell. We all know that our body is building block of cell. Cell में एक term आता है cytology. Cyto मतलब cell और logy means study. The study of cell that is called cytology. अब ये cell word आया कहाँ से? Cork. Cork means the bark of the tree. In other word, we can see that the upper layer of the tree. तो उस cork को क्या किया गया? Cut किया गया. Cut करने के बाद में microscope से check किया गया. तो absorb हुआ क्या? As like honeycomb structure. Honeycomb structure that means कि room like structure. Honeycomb जैसे मधुमक्खी का छाता होता है, उस तरह का एक structure यहाँ पे किसको absorb हुआ? तो Robert Hooke को. कितने में? तो 1665 में उन्होंने absorb किया कि इस cork में जो है वो एक room like structure है जिसको आप cell बोल सकते हो. अब ये cork किस plant का था? तो ये जो cork है वो oak tree का था. Oak tree is the general name of the plant and Quercus suber is the botanical name. Botanical name. We all know that कि हम लोग जब plant की study करते हैं तो वो botany में करते हैं. तो यहाँ पे जो है ये oak tree, इसका जो botanical name हो जाएगा वो होगा क्या? Quercus suber. अब उसके बाद में हम लोगों को पता है कि पूरा का पूरा हमारा जो body है वो किस चीज़ से बना हुआ है? Cell से. तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से ही नहीं, तो एक यूनिट है हमारे बॉडी का क्या? सेल. ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है? यहाँ पे जो है वो ग्रुप ऑफ सेल हो जाएगा क्या? टिश्यू. ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या होगा? ऑर्गेन. ग्रुप ऑफ ऑर्गेन होगा ऑर्गेन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम होगा ऑर्गेनिज्म यानी कि बॉडी. ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि सेल का जो डिस्कवर है वो किसने किया. हम लोगों ने पढ़ा कि सेल का डिस्कवर कैसे हुआ. ठीक है, सेल हमारी बॉडी को कैसे बनाता है हम लोगों ने वो भी पढ़ा. अब हम लोग ये देखेंगे कि द रॉबर्ट हुक स्टडी ऑफ नॉन लिविंग सेल इन 1665. रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ की स्टडी की? नॉन लिविंग सेल की. हम लोगों को पता है कि हमारे सराउंडिंग में दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, एक लिविंग सेल और दूसरा नॉन लिविंग सेल. तो रॉबर्ट हुक ने जो स्टडी की वो किस चीज़ की? नॉन लिविंग सेल की. कितने में? तो 1665 में. और इनको क्या एब्जॉर्ब हुआ? सेल. That means कि honeycomb like structure. उसके बाद में cell का definition. तो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं कि cell is the unit of our body. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा modulate करके बताया गया है कि the cell is structural, functional and hierarchical unit of life. It's called cell. That means कि the structural किसी भी living में या फिर नॉन लिविंग में भी अगर किसी को कोई स्टैचू बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या दिया जाता है? स्ट्रक्चर दिया जाता है. डैट मीन्स कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या होगा? स्केलेटन. ठीक है, उसके बाद में फंक्शन. नॉन लिविंग में फंक्शन नहीं होता है, और होता भी है तो वो आर्टिफिशियल फंक्शन डाल करके उसको हम लोग गाइड करते हैं. लेकिन लिविंग में क्या होता है कि हम लोग जो है उसको बाई डिफॉल्ट हमारे अंदर आया है, दैट्स वाई हम लोग क्या है? लिविंग है. तो ये सारा फंक्शन हमारी बॉडी में जो है वो आएगा. तो यानी कि हमारे बॉडी का जो है वो स्ट्रक्चर तैयार हो गया, दैट मीन्स स्केलेटन. और फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया. ये सारे सिस्टम्स जिससे पता चलता है कि वी आर लिविंग. ये सारा प्रोसेस करने की कैपेसिटी हमारे अंदर है. उसके बाद में क्या है कि हेरिडेटिकल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडेटिकल? यानी कि जेनेटिकल. कभी हम लोग सुनते हैं कि हम अपने मम्मी जैसे दिखते हैं, पापा जैसे दिखते हैं, या फिर कोई बच्चा जन्म लेता है तो होता है उसका आँख गया है, उसका नाक फादर पे गया है, मदर पे गया है. तो यहाँ पे जो है ये जेनेटिक हेरिडेटिकल, जैसे कि हमारे पेरेंट्स से पास ऑन आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स से जो हमारे जो यंग वंस में आता है डैट इज कॉल्ड हेरिडेटिकल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चेहरा ही मिलता है, बिहेवियर भी मिल सकता है, हो सकता है कि बीमारियां भी मिल सकती हैं. तो ये जो फॉर्म करता है जेनेटिक जो है वो डीएनए के थ्रू कहीं ना कहीं ये फॉर्म करता है. डीएनए डैट मीन्स की डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो सेल का डेफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा कि द स्ट्रक्चर फंक्शनल एंड हेरिडेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है.
तो स्मॉलेस्ट सेल जो है वो PPLO है. PPLO डैट मीन्स की न्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इन अदर वर्ड वी कैन से डैट माइकोप्लाज्म. इसको हम लोग दूसरे वर्ड में माइकोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, जिसकी साइज क्या होती है 0.1 माइक्रोमीटर. इसकी जो साइज अगर हम चेक करते हैं माइक्रोस्कोप से तो इसकी साइज होगी 0.1 माइक्रोमीटर. ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, इसका दूसरा नाम है माइकोप्लाज्म और ये PPLO डैट मीन्स न्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. लॉन्गेस्ट सेल क्या है? नर्व सेल है. इट्स ओनली फाउंड इन ह्यूमन. उसके बाद में ह्यूमन एंड एनिमल्स वी ऑल्सो कैन से डैट. उसके बाद में क्या है? बिगेस्ट सेल. डैट मीन्स की सबसे बिगेस्ट सेल क्या है? वो है हमारा ऑस्ट्रिच एग. अब सेल के बारे में हम लोग देखते हैं कि एक सेल होता है क्या? यूनिसेलुलर और दूसरा होता है क्या? मल्टीसेलुलर. यहाँ नाम से ही क्लियर है कि यूनि डैट मीन्स कि सिंगल, वन, सेलुलर मीन्स क्या? सेल. इसका डेफिनेशन क्या होगा कि दोज ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड एग्जाम्पल में आप देख लो अमीबा. मल्टी सेलुलर में मल्टी मतलब मिनी या फिर मोर देन वन, सेलुलर मतलब एज इज अ सेल. दोज ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल और मेनी सेल इज कॉल्ड डैट मीन्स सेल जो है यहां पे दो टाइप का है, इसको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर मीन्स क्या? यूनि मतलब क्या? सिंगल. सेलुलर मतलब क्या? सेल. दोज ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से ही बना हुआ है, लिविंग है. कहने का मतलब ये एक डॉट है, दिस इज ऑल्सो यूनिसेलुलर. एक ऐसे ये लाइनिंग है, ये भी हमारा क्या है? यूनिसेलुलर है. क्योंकि वी ऑल नो डैट कि अमीबा का कोई सेफ साइड स्ट्रक्चर नहीं होता है. अमीबा जो है अगर ऐसे कर दिए ये अमीबा, ऐसे कर दिए ये अमीबा, मतलब क्या कि जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से ही बना हो और उसमें वो सारा प्रोसेस होता हो. सारा प्रोसेस मतलब क्या कि लाइफ में जितना भी एक लिविंग थिंग्स को प्रोसेस की ज़रूरत होती है, जितना रिक्वायरमेंट होती है. जैसे लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले हमारा न्यूट्रिएशन. अमीबा अपना न्यूट्रिएशन करने की कैपेसिटी रखता है एक सेल से भी, ठीक है. उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा? रेस्पिरेशन, यानी कि वो सांस लेना. उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? डाइजेशन, जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना. उसके बाद में क्या आ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन, डैट मीन्स कि जो भी ब्लड या फिर जो खा रहे हैं उसे एनर्जी फॉर्म हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो क्या करता है? सप्लाई करता है. उसके बाद में क्या आ जाएगा? एक्सक्रिएशन, यानी कि हम जो भी खाते हैं वो 100% डाइजेस्ट नहीं होता है. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं वो स्टूल या यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है. तो वो हो जाएगा एक्सक्रिएशन. और लास्ट वन इज व्हाट? रिप्रोडक्शन. दैट मीन्स कि बिना रिप्रोडक्शन किए हुए लिविंग का जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है. उसमें क्या होता है? तो ये सारा प्रोसेस करने की कैपेसिटी आना, दैट इज कॉल्ड लिविंग.
ठीक है। उसके बाद में तो यहाँ पे क्या है कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सारा कुछ जो है हमारा यूनिसेलुलर में आता है, ये सारी चीज़ करने की उनकी कैपेसिटी होती है। उसी तरह से मल्टी सेलुलर मीन्स व्हाट, नाम से यहाँ क्लियर है कि मल्टी मतलब क्या, जैसे आप लोग सुनते हो कि मल्टीफेडियस है या मल्टी टैलेंटेड डैट मीन्स व्हाट, कि एक से ज़्यादा काम वो कर सकता है, उसमें कैपेसिटी है कि वो एक से अधिक वर्क को कर सके, वो भी अच्छे से कर सके, डैट इज कॉल्ड मल्टी टैलेंटेड। तो यहाँ पे सेम एज इट इज मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब मेनी या फिर मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा, सेलुलर मतलब क्या, सेल, दैट मीन्स द डेफिनेशन विल बी दोज ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल और मेनी सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर। इसमें एग्जाम्पल में ह्यूमन्स, हम लोगों को पता है कि एनिमल्स जो है वो ह्यूमन की कैटेगरी में ही आते हैं, तो आप यहाँ पे एनिमल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम लोग न्यूट्रिशन की बात किए तो थोड़ा बहुत हम लोग कवर करते हैं कि न्यूट्रिशन में क्या है कि लिविंग में न्यूट्रिशन होता है, तो न्यूट्रिशन भी जो है वो दो टाइप का होता है, कौन कौन होता है, तो एक ऑटोट्रॉपिक होता है और दूसरा क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाता हो, किसके प्रोसेस से, जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, डैट मीन्स की फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, किसके हेल्प से, तो रॉ मटेरियल्स के हेल्प से, डैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। और ये किस में होता है, तो प्लांट में होता है, ठीक है। प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल लीव्स में, तो क्लोरोफिल के कारण जो है उसमें क्लोरोफिल क्यों ग्रीन होता है, तो उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्रेजेंट, डैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में हेटरोट्रॉप की बात करते हैं, तो हेटरो मतलब क्या, डिपेंड ऑन अदर, जस्ट लाइक एनिमल्स, ह्यूमन्स जो भी है, हम लोग क्या है, दूसरे पर डिपेंड है। हम लोग अपना खाना खुद तो बनाते हैं लेकिन वो रॉ मटेरियल्स कहीं और से आता है, अगर प्लांट नहीं रहेगा तो हम लोग बनाएंगे क्या, ठीक है। तो उस हेटरोट्रॉप में भी तीन टाइप होते हैं, पहला होता है पैरासाइटिक, दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक और तीसरा होता है होलोजोइक। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक क्या होता है।